हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जून 2021 में उन लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसको लेकर ये रीडिंग है। गर्ल्स बॉयज सभी के लिए रीडिंग होगी, जो रिलेशनशिप में हैं या मैरिड कपल्स हैं, सिंगल्स हैं, सभी के लिए रीडिंग होगी। स्टार्ट करते हैं टैरो डेक के साथ। आप चाहें तो कार्ड की शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टंस पे जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट टैरो डेक से हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, स्टार, स्ट्रेंथ, जस्टिस, फाइव ऑफ वॉन्स, एट ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है टू ऑफ वॉन्स। हम देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। एप्रिसिएशन, विक्ट्री, थर्ड चक्र आर्कएंजल शेमियोल, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल एंड वुमन होल्डिंग ए हार्ट। ये खुद ही गिरा है इसलिए मैं इसे रहने दे रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। फेरीज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस लाए हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द हाउस। जी आप लोगों के लिए पहले हम देख लेते हैं एक्वेरियस, अगर यहाँ बात करें सिंगल्स की तो मैं यहाँ पर्सन वर्ड यूज करूंगी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। तो जो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं वो हो सकते हैं यहाँ, जैसा आप देख रहे हैं टू ऑफ कप्स हमारे पास कार्ड आया है और ये बता रहा है कि आप लोग काफी, आप में से काफी लोग इस बार अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं या आप ऑलरेडी किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। और ये काफी लोगों के लिए इस बार होगा कि आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिलें और सोलमेट से मिलें अपने। वहीं आपकी लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है, जैसा हमें यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों के लिए कार्ड्स इस तरह के आए हैं। आप लोगों के लिए जो पर्सन आ सकते हैं सिंगल्स के लिए मैं फर्स्ट बात कर रही हूँ, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग आप लोगों के लिए आ सकते हैं, जो काफी चार्मिंग हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, पैशनेट हैं, रेस्टलेस हैं, काफी चार्म है उनमें और बहुत ही आत्मविश्वास है, पैशनेट है और वहीं थोड़े से रेस्टलेस हैं वो, काफी काम करने वाले हैं और ऐसे बैठते नहीं हैं टिक के, आप इन्हें कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ करते हैं। और वहीं जो मैसेज है इमीडिएट एक्शन ए चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज ए पैशनेट रिलेशनशिप। काफी पैशन होगा इनको, जो भी आपको इस मंथ में जिनका मैरिज प्रपोजल आएगा या जिनके साथ आप इस बार रहेंगे इन रिलेशनशिप, तो वो काफी पैशनेट पर्सन होंगे। और वहीं आप लोगों के लिए ये है कि वो अगर गर्ल हैं तो उनका 4-4 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये होता है 8 नंबर, तो 8 नंबर उनका मूलांक हो सकता है। और ये गर्ल काफी दिल से कह सकते हैं, दिल से सोचने वाली हैं, दिल से अपने काम करती हैं और इस तरह की पर्सन है जो कह सकते हैं कि अपने सारे डिसीजन ये अपने दिल से रहते हैं, इस तरह की पर्सन हो सकती हैं और काफी चार्मिंग है, ब्यूटीफुल है, गुड लुकिंग है और साथ में इनका हार्ट चक्र बहुत ओपन है। वहीं के लिए यहाँ आप लोगों के लिए कार्ड आया है थर्ड चक्र आर्कएंजल शेमियोल या कैमियोल। प्योरिटी ऑफ हार्ट चाहिए, बाकी आप जैसा यहाँ देख रहे हैं 3-7 नंबर आया है, इसको आप ऐड करते हैं तो 1 नंबर बनता है और
थर्ड चक्रा आर्कएंजल शमुएल जो है वो आप लोगों के रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए आए हैं। तो जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी किसी इस तरह के दौर से गुजर रहा है कि आप लोगों के साथ, काफी लोगों के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसा भी हो सकता है, क्योंकि थ्री की एनर्जी आई है, थ्री ऑफ कप्स, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं। और वहीं कुछ लोगों के लिए होगा कि आप इनसे फ्रेंड्स के थ्रू इंट्रोड्यूस हों अगर सिंगल हैं तो, और वहीं कुछ लोगों के लिए होगा कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। और कुछ लोगों का अभी ब्रेकअप जैसा भी कुछ हुआ हो सकता है और कॉम्पिटिशन आपने काफी फेस किया है आपके साथ, हो सकता है आपके कोई क्रश हो और उनके लिए आप अगर देख रहे हैं तो आपको काफी कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है और रिलेशनशिप में आगे देखना चाह रहे हैं, कमिटमेंट जैसा चाह रहे हैं, पर जहां कुछ पार्टनर्स की आपस में बन नहीं रही है, कंपटीशन फेस हो रहा है, कुछ आर्ग्यूमेंट है, लड़ाई झगड़ा जैसा कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, इसी वजह से स्ट्रक हैं आप काफी। एट ऑफ सॉर्ट्स एनर्जी में आप चले गए और काफी दुखी हैं, परेशान हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे और जैसा कमिटमेंट आप सोच रहे थे वैसे आपको नहीं मिल पा रहा है। पर आपको परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोगों के साथ यहाँ जस्टिस होगा, न्याय होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको न्याय देगा, गॉड आपको न्याय देंगे या जो भी मानते हैं वो आपको न्याय मिलेगा, यूनिवर्स से न्याय मिलेगा क्योंकि जस्टिस आया है आप लोगों के लिए। वहीं जो सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों को तुला राशि के लोग जो हैं वो अप्रोच करें इस मंथ में, जो पर्सन आप लोगों के लिए आए जिनका मैरिज प्रपोजल आए वो तुला राशि के हो सकते हैं। और एक्वेरियस की रीडिंग में एक्वेरियस कार्ड आया है, द स्टार कार्ड, यानी आप अपने पूरे पोटेंशियल में रहेंगे, जैसे आप हैं, जो क्वालिटीज आप लेके बॉर्न हुए हैं वो सारी क्वालिटीज के साथ इस बार आप आगे बढ़ने वाले हैं इस मंथ में स्पेशली, और काफी ग्राउंडेड हैं आप लोग और आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। पर यहाँ कुछ स्टक एनर्जीज ये बता रही कि इस बार थोड़ा आप परेशान लग रहे हैं और ये किसी भी वजह से हो सकता है। कुछ लोग काफी फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, काफी चीजें आप फेस कर रहे हैं, पर आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और आपको वो हिम्मत मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि कुछ लोग हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में और ये जर्नी आसान नहीं होती है, तो थोड़ा आप फेस कर रहे हैं पर ये टेम्परेरी है। जून में आपको काफी ऐसे मौके मिलेंगे कि आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करें, जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड कपल्स हैं उनको काफी तारीफ मिलेगी अपने पर्सन से या पार्टनर से, और ये तारीफ आपको बहुत खुश करेगी। कुछ लोगों को कोई प्रपोज भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ रेड रोज है इनके हाथ में, तो और एप्रिसिएशन, तो कोई आपको प्रपोज करे ये भी काफी लोगों के लिए हो सकता है। और विक्ट्री, जो परेशानी आप अभी तक फेस कर रहे हैं जून के पहले तक या भी जून के फर्स्ट वीक तक, वो आपको मिड में काफी उसमें विक्ट्री मिलेगी, आप लोगों के पक्ष में चीजें होने लगेगी, रिलेशनशिप में आपको लगेगा आप काफी सही सिचुएशन में हैं और ये सब हो पाएगा आप लोगों के लिए। वहीं आप लोगों के लिए जैसे मैंने बताया थर्ड चक्र आर्कएंजल शमुएल जो हैं वो आपको ब्लेस करने के लिए आए हैं और ये रिलेशनशिप की हीलिंग भी करते हैं, जहां लोगों के बीच में सेपरेशन है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप इनसे प्रे कर सकते हैं, वो डेफिनेटली आपको हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। और वहीं फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल भी आए हैं आप लोगों के लिए, तो ये फिर से आपको एक ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं। आप यहाँ देख रहे हैं आर्कएंजल्स आपको ब्लेस करने के लिए आए हैं, यानी आप काफी डिवाइनली गाइडेड रहेंगे इस मंथ में स्पेशली। और फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल जो है वो तुरंत प्रोटेक्शन देते हैं, अगर आप कोई नेगेटिविटी या कोई इश्यू बहुत बड़ा फेस कर रहे हैं तो आप इनसे प्रे कर सकते हैं, आपकी बहुत जल्द विश फुलफिल होगी और वो आपको इमीडिएट प्रोटेक्शन देंगे। और ये प्रोटेक्शन वो हर फील्ड में देते हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप हो या वैसे भी आप किसी परेशानी में अगर फंसे हुए हैं जिस वजह से आप मिल नहीं पा रहे हैं अपने पर्सन से, या आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो आप डेफिनेटली फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल से प्रे कर सकते हैं। और वहीं आर्कएंजल शमुएल जो है वो इसी चीज को ठीक करने के लिए कह सकते हैं कि सोलमेट जर्नी में जो लोग हैं ट्विन फ्लेम्स में हैं और वो उनको ब्लेस करने के लिए थर्ड चक्र शमुएल आए हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जो भी कुछ आपके बीच में दिक्कत है वो बहुत जल्द दूर होगी, बस आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल और धार्मिक रहें या कहें रिलीजियस रहें, जो भी आपका बिलीव है उनसे जुड़े रहें। फोर ऑफ विंटर का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, सेट असाइड योर कंसर्न फॉर नाउ, यू कैन मेक अ डिसीजन लेटर, सॉल्यूशन दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, द नीड फॉर मोर स्लीप और अ वेकेशन। जी जैसा मैंने आपको अभी कहा ही था कि आपको अभी थोड़ा धर्म और अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, बहुत रश ना करें कि ये सब चीजें कब ठीक होगी, सब अपने एक डिवाइन टाइमिंग पे ठीक होगी, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं तो काफी उतार चढ़ाव आप लोग देख रहे हैं और ये सब टेम्परेरी हैं जैसा लाइफ एक्सपीरियंस। आप किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो सिंगल्स हैं वो, तो जिनके साथ आप काफी लाइफ के एक्सपीरियंस लेंगे,
डिफरेंट डिफरेंट अगेन 7 नंबर आया है, काफी ब्लेस रहेंगे आप इस मंथ में। और यहाँ मैसेज है, लेट गो ऑफ बिलीफ सिस्टम दैट नो लॉन्गर वर्क्स फॉर यू, एंड इम्पोर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट ए सिचुएशन दैट लीड्स टू सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज। जी, आप लोगों के लिए है कि आप थोड़ा आगे बढ़िए, बहुत ज्यादा रश मत कीजिए, और जो आपके साथ अभी तक हुआ है उससे एक लाइफ एक्सपीरियंस समझ के लीजिए। जैसा कुछ लोगों ने खुद को अंडर कवर कर लिया है, जैसा एक्वेरियस होते हैं वैसा आप लोग बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप काफी चीयरफुल होते हैं और कहते हैं कि पीस मेकर्स होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, पर वैसा आप अपने आप को ही काफी अंडर कवर कर रहे हैं और काफी लोगों से आप इंटरेक्शन भी रखते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पर इस बार ऐसा नहीं लग रहा। काफी एक्वेरियस ऐसे लग रहे हैं उन्होंने अपने आप को शैल में बंद कर लिया है, जैसा कॉफिन कार्ड है कि आप अभी चुप हैं, काफी चीजें आपने अंदर स्टोर कर रखी है। तो ऐसा मत कीजिए, आप अगर कुछ इमोशनल लो फील कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स या जिनको आप अपना मानते हैं उनसे अपनी इमोशंस शेयर कीजिए ताकि आप लाइट फील करें और इस एनर्जी से आप शिफ्ट हो सकें जैसा आप एट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में थे। और आपके साथ सब कुछ ठीक होगा क्योंकि यहाँ विक्ट्री का कार्ड आया है, वहीं हमारे पास आया है सडन वेल्थ का। पैसे के हिसाब से इस बार मंथ बहुत अच्छा और ब्लेस रहेगा, काफी पैसा आएगा आप लोगों के लिए एक्वेरियस के लिए, और हो सकता है कैरियर में आप बहुत अच्छा करें। और ऑक्यूपेशन का कार्ड ये बता रहा है, अगेन 7 नंबर आया है, जैसे मैंने कहा आप लोग काफी डिवाइनली गाइडेड रहेंगे कैरियर पैसे के हिसाब से, तो ये मंथ बहुत अच्छा है। और जो अभी तक आपने रिलेशनशिप में फेस किया है वो सब भी ठीक होगा क्योंकि जस्टिस कार्ड आपको जस्टिस दिलाने की श्योरिटी दे रहा है। पर यह है कि आपके जो अभी तक सब कुछ हुआ है उसके से बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रेंथफुल बनना होगा, सेल्फ लव पे भी आप ध्यान दीजिए, खुद के लिए भी टाइम निकालिए, और डिवाइनली आप गाइडेड हैं, भगवान और धर्म से जुड़िए, ऊपर वाले के जिस भी नाम पे आपकी आस्था है उनसे आप जुड़ाव रखिए और प्रे कीजिए, आपकी सारी मुश्किलें बहुत जल्द दूर होगी। और टू ऑफ कप्स, आप जैसा देख ही रहे हैं आप लोग सोलमेट्स हैं, थोड़े उतार चढ़ाव जैसा मैंने कहा कि सभी की ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, पर ये टेम्परेरी है, आपको विक्ट्री मिलेगी, जस्टिस मिलेगा और स्ट्रेंथ भी मिलेगी आगे बढ़ने की, और थर्ड पार्टी से भी आप मुक्त हो जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस यहाँ सजेस्टेड होगा आप सभी के लिए। वहीं हम कुछ और मैसेजेस भी देख लेते हैं कि जो पर्सन आपको अप्रोच करेंगे उनके जॉडिक साइन क्या होंगे और उनकी अल्फाबेट्स क्या हो सकते हैं जो आपको इस मंथ में अप्रोच करेंगे। यहाँ पहले मैं अल्फाबेट्स ले रही हूँ, एल नाम से उनका नाम स्टार्ट हो सकता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, के नाम से हो सकता है, क्यू और बी पी, ये उनके अल्फाबेट्स हो सकते हैं। और मैं डेट्स भी निकाल रही हूँ कि मंथ की कौन सी डेट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखेगी, 9 और 26 और 1717। जी, ये नंबर्स भी हो सकते हैं ये आपके पार्टनर की या पर्सन की बर्थडे डेट हो, और ये डेट्स आप लोगों के लिए किसी तरह से या ये नंबर आप लोगों के लिए मायने रखेंगे। और वहीं जॉडिक साइन हम देख लेते हैं कि कौन पर्सन आपको मिलेंगे, पाइसिस हो सकते हैं जो आपको अप्रोच करें, कैंसर हो सकते हैं, कर्क राशि के हो सकते हैं, मीन राशि के हो सकते हैं, लियोज ये हो सकते हैं यानी सिंह राशि के भी हो सकते हैं। और कुछ मैसेजेस भी मैं लूंगी कि कौन पर्सन आप लोगों के लिए आ सकते हैं या जिनका मैरिज प्रपोजल आ सकता है। जो और सोल पार्टनर और एक की साइड में से इधर हो गया था रिन्यूअल रिवैल्यूएशन। जी, और ऑप्टिमिज्म, जी आपको थोड़ा सा आशावादी तो होना ही चाहिए। और कुछ और मैसेजेस भी देख लेते हैं, पैशन होगा उनको आपके लिए काफी, और न्यू लव होगा ये कुछ लोगों के लिए, और मूविंग ऑन, थोड़ा आपको मूव ऑन करना चाहिए। वहीं कुछ और मैसेजेस भी ले लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहेंगे या क्या सोचते हैं आप लोगों के लिए। ये मैसेजेस आए हैं, यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। जी,
आई डू नॉट वॉन्ट टू हर्ट यू, वो आपको आपका दिल नहीं दुखाना चाहते या दिल नहीं तोड़ना चाहते, आपको हर्ट नहीं करना चाहते. आई गो वेयर यू गो, जी जहाँ आप जाते हैं वहीं वो भी होना चाहते हैं. कैन यू गिव मी अनदर चांस, वो कह रहे हैं कि आप क्या उन्हें एक दोबारा चांस देंगे. मे बी कुछ लोगों के एक्सपेक्ट होने की सोच रहे हैं. फॉर मी यू आर द वन एंड ओनली वन, जी कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप ही उनके लिए सभी कुछ हैं या सिर्फ एक आप ही हैं जो उनके लिए सब कुछ हैं. यू आर सो ब्यूटिफुल, ये आपके पर्सन का मैसेज हो सकता है. और यही सब मैसेजेस थे आप लोगों के लिए और यही रीडिंग थी. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.